हेलो, सो मेरा नाम है संदीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी ट्रेंडी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ इसके बारे में, तो मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व किया है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस मोबाइल का जो कि है मेरे पास में शॉमी का Mi A1, अब मैंने यहाँ पे इसका बैक केस जो है वो रिमूव कर दिया। और आज इसका रीज़न जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अब इसका जो बैक केस है वो रिमूव क्यों कर दिया। और आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि बैक केस क्या हमारे स्मार्टफोन्स के लिए रियली रिकमेंडेड है, और अगर है तो किस टाइप के बैक केस जो हमें लेने चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों रिकमेंडेड नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए सैंडी ट्रेंडी को और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कीजिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दोस्तों एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मैंने कल एक पोस्ट डाला था अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब के अंदर में, जहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे जो है किस टॉपिक के ऊपर अब यहाँ पे वीडियोज बनाने चाहिए, और वहाँ पे मैंने आपसे एक हेल्प लेनी चाहिए। और वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाल दिया था, दोस्तों मैं हूँ कंफ्यूज, यहाँ पे मेरे पास है 4 तरह की कंटेंट जहाँ पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए थे मोबाइल टेक्नोलॉजी, बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रेगुलर बाइक व्लॉग्स, या फिर आप जो भी देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर जो भी कंटेंट देखना चाहते हैं उसे रिलेटेड कुछ टॉपिक जो आप यहाँ पे सजेस्ट करें। तो यहाँ पे टोटल जो है आए थे करीब 48 वोट्स, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे 90% लोगों ने कहा कि अभी जो है यहाँ पे इस चैनल पे लोग देखना चाहते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया लेटेस्ट रिलीज, या फिर कोई टिप एंड ट्रिक्स, और उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं यहाँ पे अब इस चैनल के ऊपर मैं आपको दिया करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे 6% जो वोट आया था वो आया था बाइक इन्फॉर्मेशन के ऊपर और रेगुलर बाइक ब्लॉग्स के ऊपर 2%, और मतलब कोई भी जो चौथा ऑप्शन था कमेंट योर टॉपिक टू सी द वीडियो अपॉन, और इसके ऊपर जो 2% वोट जो है वो आए थे। जो यहाँ पे ओपिनियन है उसके बाद मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब मैं इस चैनल पे जो कि होगा सैनी ट्रेंडी, यहाँ पे अब कोई भी ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह जो देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं एक अलग से चैनल बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको अपने कम्युनिटी टैब में उसके बारे में पोस्ट कर दूंगा कि वो चैनल कौन सा है, और वहाँ पे आपको सारे कंटेंट जो है ट्रैवल ब्लॉग्स के या फिर बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस चैनल पे एब्सोल्युटली आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर मोबाइल से रिलेटेड ही जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे 2 कमेंट्स भी आए थे वोट के साथ में, जिसमें से चरणप्रीत सिंह जी ने पूछा था कि व्हाट टाइम विल कम ओरियो 8.1। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्लियरली मैं समझ में नहीं पाया कि ये क्वेश्चन जो है वो किस फोन से रिलेटेड है। मतलब कि चरणप्रीत सिंह जी, अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया है शाओमी मी A1 से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि शायद जो है आपको 8.1 जो है अप्रैल के अपडेट के साथ में देखने को मिल सकता है। आपको गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है अब यहाँ पे जो मार्च का अपडेट था वो था मेरे ख्याल से लास्ट 8.0 के ऊपर अपडेट सिक्योरिटी पैच लेवल, अब जो है आपको अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है एंड्रॉयड ओरियो 8.1। अगर यहाँ पे अभी भी 8.1 देखने को नहीं मिला शाओमी मी A1 के अंदर में, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोग हैं यहाँ पे अब जो मी A2 लॉन्च होगा, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग जो है वहाँ पे उसको परचेस करना चाहेंगे, और परचेस में भी कर सकें क्योंकि वहाँ पे जो उसका कैमरा है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे जो शाओमी मी A1 है वो डेफिनेटली यहाँ पे अब कचरा हो जाएगा, वो मतलब बेसिकली कुछ काम बनी, क्योंकि अभी जो Redmi Note 5 Pro जो लॉन्च हुआ है वहाँ पे आपको MIUI, वहाँ पे आपको Android Oreo 8.1 बेस्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे ये फोन जो है Xiaomi का Mi A1 वो है आपका Android One प्रोग्राम के अंदर में, फिर भी यहाँ पे अभी भी आपको 8.1 जो देखने को नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी गलत बात है। और अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था, वहाँ पे गुलशन राय जी ने यहाँ पे एक कमेंट किया जहाँ पे उन्होंने कहा कि प्लीज मेक वीडियो ऑन टैबलेट एंड आई हैव सेलेक्टेड Alcatel 4 Pop 4 टैबलेट। तो गुलशन राय जी, मैंने आपका पॉइंट को नोट कर लिया है, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ वीडियोस लाऊंगा टैबलेट्स के ऊपर भी। तो बेसिकली मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर में ये सब कुछ आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो आपके लिए टैबलेट से रिलेटेड मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे पास में कोई भी डिवाइसेस नहीं है एक्सेप्ट ये शाओमी का मी A1 और उसके अलावा रेडमी नोट 4 और रेडमी 3S। तो ये 3 डिवाइसेज जो है वो बेसिकली मेरे पास सिर्फ 3 डिवाइसेज हैं, और इसी के ऊपर जो है मैं आपके लिए ज़्यादातर वीडियोज लेकर आ सकता हूँ। और जो भी नए डिवाइसेज आएंगे, तो अगर वो मुझे नहीं मिलते हैं, और जनरली मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं मिलेंगे, और अगर आप में से कोई भी अगर बिलासपुर रीजन जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अगर उसके आसपास में रहते हैं, बिलासपुर में रहते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं उस डिवाइस को थोड़ा टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे आपके ही लिए काफ़ी अच्छे जो वीडियोस हैं उनके ऊपर जो टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ नए इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए वो मैं बना सकता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप मेरे साथ में सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, और मेरे लिए भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं गैदर कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी रिव्यू यूनिट्स बिल्कुल नहीं आते हैं, और मेरी इनकम अभी उतनी है भी नहीं यूट्यूब से। मैं आप
आपके लिए कोई भी नया डिवाइस खरीद पाऊँ और उसके ऊपर जो है कोई भी रिव्यू वगैरह जो है कर पाऊँ। तो दोस्तों ये थे दो वोट आउट और यहाँ पे अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब यहाँ पे बनाएंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज जहाँ पे आपके लिए होंगी नए डिवाइसेस के बारे में कुछ ओपिनियंस रिव्यूज या फिर कहा जाए तो उसके बारे में एक रिव्यू, और उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स एंड्रॉयड फोन्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी तक मैंने एप्पल के कोई फोन या फिर आईफोन्स वगैरह यूज़ नहीं किए। तो वहाँ पे आपके लिए ये जो प्लेटफॉर्म शायद थोड़ा सा अलग अभी हो जाए, यहाँ पे जनरली मैं फोकस करूँगा एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर और उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया करूँगा। तो दोस्तों अब चलिए अब देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने मेन कंसर्न रखा था कि मैं यहाँ पे अपने Xiaomi Mi A1 का जो डिवाइस है वहाँ पे मैंने क्यों हटा दिया अपने बैक केस को और वाकई में क्या बैक केस आपके मोबाइल फ़ोन के लिए ज़रूरी है और अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दोस्तों अभी तक जो मैं बैक केस यूज़ कर रहा था वो था ये वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने एक्चुअली में लिया था पुणे में और ये मुझे मिल गया करीब 90 रुपये के आसपास और ये है एक रबर का बना हुआ बैक केस। तो ये जो फ़ोन है इसके लिए प्रॉपरली अच्छा लग रहा था लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे इशूज़ थे जिसकी वजह से मैंने इसे जो है यहाँ पे निकाल दिया है और इसे जो है मैं निकाल के साइड में कर दिया हूँ और अब जो है मैं फ़ोन को कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और उसका जो मेन रीज़न है वो है यहाँ पे नेटवर्क रिसेप्शन और यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इशू मतलब कि बताया था और यहाँ पे जो मैंने वीडियोस बनाई थी जनवरी फरवरी मार्च अपडेट के ऊपर Xiaomi Mi A1 का वहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि नेटवर्क रिसेप्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं है और कई लोगों को जो है कॉल ड्रॉप देखने को मिलता है, इवन फ़ोन जो है वो रिबूट हो जाता है। तो फ़ोन रिबूट का जो इशू है वो अभी भी काफ़ी लोगों को सॉल्व नहीं हुआ और मेरे फ़ोन में भी कभी कभी अभी देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ कि वो जो इशू सॉल्व हो गया था लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब कि 2-3-4 मतलब कि एक हफ्ते में कभी कभी एक बार जो है मेरा फ़ोन जो है वो रिबूट हो जाता है, अब ऑटोमेटिक हो जाता है जब भी मैं कॉल पर रहता हूँ। तो मतलब ये बेसिकली इशू जो है वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ है और देखते हैं कि ये ट्रेबल सपोर्ट जो आने वाला है आपका Xiaomi Mi A1 में एंड्रॉयड 8.1 के साथ में क्या वाकई में उसमें कुछ ऐसा होने वाला है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स होने वाली हैं, अगर होती हैं तो काफ़ी अच्छी बात है और नहीं होती हैं तो वहाँ पे आपके लिए या फिर मेरे लिए जो काफ़ी ज़्यादा इशू जो है देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या वाकई में फ़ोन के जो वो आपके फ़ोन के लिए ज़रूरी है, तो मैं बता दूँ कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन आपके लिए जो मेजर कंसर्न होगा कि वो ये होगा कि अगर ये फ़ोन कभी गलती से नीचे गिर जाए तो यहाँ पे अगर वो साइड से या फिर कहीं भी किसी भी एंड से गिरता है तो वहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है वो टूट जाएगा तो वहाँ पे आपके डिस्प्ले के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि वाकई में आपकी जो सोच है ये मेरी भी सोच है कि अगर ये गलती से अगर यहाँ पर गिर जाता है ऐसे तो क्या होगा, मेरा फ़ोन जो है वो तो चला ही जाएगा और खर्चा जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे फुल बॉडी वाला जो कवर होता है आप उसे बिल्कुल भी ना लें। यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूँ कि कुछ अलग तरीके के भी केसेस आते हैं जहाँ पे आपको जो पीछे कवर है वो बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ साइड साइड के ही होते हैं कवर, तो वहाँ पे आप जो सिर्फ साइड का जो पैनल होता है वहाँ के लिए आपके पास में आ जाएगा कवर, तो आप उसे जो है जाकर परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने उस केस को आपके लिए रिकमेंड इसलिए किया है क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा अगर आपके पास में इस फ़ोन का या फिर कोई भी अलग फ़ोन है या फिर जो लेटेस्ट में रिलीज मोबाइल फोन है तो उसमें आप देखते होंगे कि बैक साइड में एक आपको स्ट्रिप दिखाई देती होगी हल्की अलग कलर की जो कि आपके फोन के कलर से थोड़ी कभी चेंज होती है, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं ब्लैक कलर के स्मार्टफोन तो वहां पे आपको शायद ये कलर जो देखने को ना मिले, स्ट्रिप जो है देखने को ना मिले। और यहां पे आपको बता दूं कि Xiaomi Mi अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहां पे आपने देखा होगा कि इधर पे साइड से लेकर जो है यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो बना हुआ प्लास्टिक का और वो जो है ऊपर से ऐसा जाते 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 यहां से जाते जाते और यहां पे आया और यहां पे आके खत्म होता है इस तरीके से ऊपर और नीचे नीचे साइड में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेम स्ट्रिप जो है वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो स्ट्रिप होती है वो कवर होती है आपके प्लास्टिक से, वहाँ पे आपका जो भी फ़ोन होता है यूनी बॉडी यूनी मेटल बॉडी डिज़ाइन का उसमें जो है इस पार्ट को या फिर जो स्ट्रिप बनी होती है उसको एक तरीके से प्लास्टिक से कवर किया जाता है क्योंकि इसके नीचे जो है वो आपके होते हैं एंटीना बैंड्स या फिर कहा जाए तो एंटीना, बेसिकली आपके फ़ोन के 4G नेटवर्क का जो मॉड्यूल होता है वो होता है 3G नेटवर्क के लिए, 2G नेटवर्क के लिए GSM सिग्नल में और इवन वाईफाई NFC इवन GPS का जो आपका एंटीना होता है जहाँ पे आप रिसीव करते हैं सिग्नल्स वगैरह जो कि आप रिसीव करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज वाले सिग्नल्स, तो बेसिकली उसके लिए जो है एंटीना आपके फ़ोन में होता है और इसी स्ट्रिप के नीचे जो है वो एंटीनास को डिज़ाइन किया जाता है। और अगर आपका फ़ोन अगर ये खुल पाता है Xiaomi Mi A1 तो आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड प्लेटेड या फिर आपके पास में एक मेटल प्लेटेड जो है एक पतली सी लाइन बनी हुई एक आपकी स्ट्रिप दिखाई देती है जो कि आपका बेसिकली एंटीना होता है। और
और अगर उस एंटीना के ऊपर में आप लगा देते हैं मेटल का ही बॉडी या फिर मेटल ही पूरा लगा देंगे, तो आपका फ़ोन में जो रिसेप्शन होता है सिग्नल्स का, जैसे कि आप कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कॉल का सिग्नल होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा प्रॉपरली, वहाँ पे कॉल ड्रॉप जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन हो सकता है ऐसा कि आप अगर सिम भी लगाते हैं तो वहाँ पे जीरो नेटवर्क या फिर बहुत ही लो नेटवर्क जो आपको देखने को मिलेगा। कि अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कोई भी केस, वहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाएं वहाँ पे फुल बॉडी वाली केस पे, जहाँ पे स्ट्रिप जो है वो पीछे में लगी हो या फिर यहाँ पे ऊपर में लगी हो, आपके लिए एक अलग से केस जो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके अलावा आपने मार्केट में कई सारे केसेस देखे होंगे जो कि बहुत ही सस्ते आपको देखने को मिल जाते हैं, और वहाँ पे होता है कुछ ऐसा कि आपको ये बॉडी साइड साइड के जो डिज़ाइन देते हैं और बीच में ऐसा क्रॉस बना हुआ आपको रबर या प्लास्टिक कोटेड जो डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, बीच बीच में कुछ अलग सा टॉय वगैरह कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना होता है, और उसके अंदर जो है आपके कुछ मेटल्स वगैरह जो है वो होते हैं उस फ़ोन केसेस के अंदर में। वहाँ पे वो फ़ोन केस भी जो है वो आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहाँ पे अगर कहीं पे भी मेटल वगैरह होता है तो आपके फ़ोन के जो एंटीना वगैरह बैंड्स होते हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ोन का जो सिग्नल होता है चाहे वाईफाई का हो चाहे वो आपके फ़ोन के नेटवर्क का सिग्नल हो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़ोन को बैक केस से अलग किया है, और अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो यहाँ पे वैल्यू है मेरे सिग्नल की स्ट्रेंथ की वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू यहाँ पे चल रही है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -106 dBm, और यहाँ पे ACU जो है वो है 32-33। तो ये जो नेटवर्क का रिसेप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि मैं हूँ घर के अंदर में, और यहाँ पे जो दीवारें वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं, और यहाँ पे जो सामान है पूरे रूम में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क का जो रिसेप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैक केस को ना लगाएं, कि अगर आप देखेंगे कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बैक केस लगाता हूँ तो यहाँ पे जो फ़ोन का नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अभी जो -107, -108 dBm जो वैल्यू चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो जो है करीब 110, 111, 112, 113। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक केस लगाया और यहाँ पे जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, -111 या फिर कुछ इस तरीके की वैल्यू है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे नेटवर्क जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कोई भी बैक केस, इवन रबर का हो या फिर कोई भी मेटेलिक बैक केस जो है वो कभी भी आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो आपका मेटल के ही बैक केस से ही ज़्यादा होता है, और वहाँ पे रबर का जो है वो थोड़ा बहुत वहाँ पे इंडक्टिव होता है लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो कंडक्टिव भी हो जाता है कुछ कुछ सर्टेन केसेस पे। तो इसलिए जो है आपको अपने फोन में फुल बॉडी केस जो है वो नहीं लगाना चाहिए, और वहां का अगर वहां पे आप कंसर्न करते हैं कि अगर आपका गलती से फोन अगर यहां पे गिर जाता है कुछ इस तरीके से तो आपका जो स्क्रीन है वो टूट जाएगा, आपके स्क्रीन का जो रिपेयरिंग का खर्चा वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो अपने ग्लास के ऊपर में टेम्पर्ड ग्लास लगवा सकते हैं, तो टेम्पर्ड ग्लास लगवाएंगे तो वो आपका एंटीना जो है वो पीछे होता है तो वो आगे पे लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप कंसर्न होंगे आप अपने कैमरे के ग्लास के लिए, जो लेंस ग्लास होता है उसके लिए, तो वहाँ पे आपके ग्लास के लेंस पे भी कवर जो है आप वहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगवा सकते हैं, उसके भी टेम्पर्ड ग्लास आते हैं, तो उन सब के लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो मेन मोटिव है मेरा वो ये है कि आप यहाँ पे बैक गेस जो है वो फुल बॉडी वाला बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी वजह से जो है आपके फ़ोन जो है वो कभी कभी हो जाता है ओवर हीट, और यहाँ पे उसके अलावा जो नेटवर्क रिसेप्शन जो है वो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा लो। और अगर आपके पास में सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह है या फिर कोई इंडस्ट्री वगैरह है तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन अपने घर में खोज लें, जा जाकर टेस्ट करके कि आपके रूम में या फिर आपके घर में कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा नेटवर्क स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह घर के अंदर जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे करीब -92, -115 dBm का जो वैल्यू है या फिर नेटवर्क स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए मैं या तो कभी छत में चले जाता हूँ अगर मुझे बात करनी हो या फिर बाहर निकल जाता हूँ घर के, तब जो है नेटवर्क काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे फ्लो होता है, मतलब जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आते हैं, तब मेरा जो फ़ोन का सिग्नल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जो बात है वो प्रॉपरली हो पाती है, वहाँ पे कोई भी कॉल ड्रॉप वगैरह जो नहीं होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे बैक केस जो है वो फुल बॉडी वाला यूज़ ना करें। वहाँ पे आपके लिए मैं रिकमेंडेड लिंक्स होंगे Xiaomi Mi A1 के लिए, तो वहाँ पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे जाकर परचेज कर सकते हैं, वो फुल बॉडी से थोड़ा सस्ता
सस्ते भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप अपने घर में एक बार सर्च कर लें कि आपके मोबाइल के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो कहाँ पर आता है, मतलब कि अगर सिग्नल स्ट्रेंथ का वैल्यू अगर वो -60 से लेकर -90 के अंदर में अगर होता है तो वो आपके घर के किस कोने में आता है, तो वहाँ पर आप जाकर अपने फ़ोन को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं इवन बात करने के टाइम पर। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपने फ़ोन को जब भी कॉल लगाते हैं अगर आप हैंड का यूज़ करना चाहते हैं तो कभी भी ऐसे फ़ोन को होल्ड ना करें, इवन ऐसे फ़ोन को बिल्कुल भी होल्ड ना करें। वहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऐसा है कि आप अपने फ़ोन को कुछ तरीके से होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपके फ़ोन में ऊपर साइड में भी होता है एंटीना बैंड और नीचे साइड में भी होता है एंटीना बैंड, तो वहाँ पे आपके फ़ोन में प्रॉपरली सिग्नल आए उसके लिए आप या तो इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो एंटीना लाइन ऊपर का वो विजिबल रहेगा, नीचे का भी विजिबल रहेगा, तो वहाँ पे आप या तो इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं या फिर आपके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन या सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन है कि आप अपने ईयरफोन्स को यूज़ कर सकते हैं और जब भी आप कॉल करें तो आप अपने फ़ोन को जो है नीचे इस तरीके से आप रखें, मतलब इस फ्लैट सरफेस पे कुछ इस तरीके से रखें, क्योंकि आपका जो नेटवर्क रिसेप्शन होगा वो आपके एंटीना बैंड में कुछ इस तरीके से आएगा तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी जो बात है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो इस तरीके से आप इसे जो है फेस अपसाइड डाउन करके रख दें तो और ईयरफोन जो आप प्लग करके रखें तो आप उससे जो है बात कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा आप ब्लूटूथ डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है आप अपने कान में लगाकर अपने डिवाइस को दूर में रख सकते हैं और उससे भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ तरीके और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे तो आप अपने व्यू जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं, आप अपने जो भी कमेंट्स क्वेरीज या फिर जो भी सवाल वगैरह है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसके बारे में, डिवाइसेस के बारे में, चाहे वो Xiaomi का Mi 11 चाहे वो Redmi Note 5 Pro और चाहे कोई भी आने वाले डिवाइसेस, तो आप उनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में यूजिंग #AskST। तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पे अपने क्वेरीज फीडबैक वगैरह जो है दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ जो भी होंगे उनके कंटेंट तो आपको आने वाले वीडियोज़ के जो है इन्फॉर्म तो आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि इस टाइप के बैक जो है वो उनके लिए वाकई में यूज़फुल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।